यूपी में दीपावली के त्योहार में अब चंद दिनों का वक्त बाकी है। ऐसे में अब कुम्हार तेजी के साथ तैयारियों में जान झोंक रहे हैं, तो वहीं दिवाली के त्योहार के लिए सुंदर सुंदर दीपक बना रहे हैं, जिन्हें वे सुंदर तरीके से कलर और स्टोन से भी सजा रहे हैं। कहा जाता है कि दीपावली के त्योहार पर मिट्टी के दिए जलाना शुभ माना जाता है। गाजियाबाद के नवयुग मार्केट स्थित कुम्हार वाली गली में इन दिनों काफी रौनक देखने को मिल रही है। हर तरफ कुम्हार दिए और मिट्टी के बर्तन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल 2 साल के बाद दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में बाजार में दियों की डिमांड में भी काफी इजाफा हो गया है। दिवाली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए कुम्हारों ने 3 महीने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी। उनका कहना है कि इस बार बाजार की हालत बहुत अच्छी है, दियों की डिमांड काफी अधिक है, उस हिसाब से माल नहीं बन पा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार अच्छे मुनाफे की उम्मीद है। चाइनीज माल चाहे कितना भी आ रहा है, बाकी जो दिवाली जीवले की ही बनती है, जीवले का कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ हमारे जीवले की शॉर्टेज भी हो गई है, अब बार जो है कम बन पाया जीवला बारिश की वजह से। बाबा कितने महीने पहले तैयारी शुरू करते हैं आप? ये जो 3-4 महीने पहले चालू हो जाती है तैयारी। क्या तैयारी शुरू करते हैं, कैसे करते हैं? पहले इनके जो करवा चौथ के करवे बनाते हैं, फिर जीवे भी बनाने शुरू कर देते हैं, और ऐसे जैसे जैसे त्योहार नजदीक आते जाते हैं वैसे उनकी तैयारी चलती रहती है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आजकल मट्टी खदान पर रोक लगाई हुई है, मट्टी का किस प्रकार से आप मंगाते हैं और किस प्रकार से आप खरीदते? मिट्टी के रोक तो लगी हुई है, और कुम्हारों के लिए यहाँ शहर में तो मिट्टी मिलती नहीं है, और देहात के अंदर तो उन्हें जो खदान दे दिए जाते हैं, बाकी यहाँ कोई सुविधा नहीं है। कहाँ से लाते हैं मिट्टी? मिट्टी आती यहाँ से कम से कम 20-20 किलोमीटर दूर से मिट्टी आती है। दरअसल नवयुग मार्केट अक्षय कुमार वाली गली से न सिर्फ होलसेल बल्कि रिटेल में भी दिवाली की बिक्री होती है। यहाँ पर कुम्हार पुश्तैनी रूप से रहते आ रहे हैं। 70 साल की खेमचंद तकरीबन 7 वर्षों से दिए बनाने का काम कर रहे हैं। वे हर दिन तकरीबन 8 घंटे चाक पर बैठते हैं। खेमचंद बताते हैं कि इस साल डिमांड हाई है और अधिक काम करना पड़ रहा है।